तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को आरो ने बता ही दिया है कि आज मेरी प्यारी मिसेस का जो है बर्थडे है, तो सुबह सुबह हम लोग जो है भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मंदिर में जाके भगवान का ध्यान करके उसके बाद फिर आगे हम लोग जो है शाम को जो है अपना जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर आप दोस्तों देखिए, ये हम लोग आ गए हैं अपने घर के करीब ही बने सैलानी माता मंदिर में। सैलानी माता मंदिर गोमती नगर में है। तो हम लोग वहाँ पर आ गए हैं दर्शन करने के लिए। हम और हमारी वाइफ और आरो तीनों लोग हम लोग मंदिर आ चुके हैं पूजा करने के लिए। तो ये देखिए आरो और हमारी वाइफ भगवान गणेश की पूजा करते हुए सैलानी माता मंदिर में और आशीर्वाद देते हुए। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारी वाइफ का बर्थडे है। तो आज हम लोग का प्लान है कि बहुत हम लोग अच्छे तरीके से वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आ गए सैलानी माता मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद बाकी शाम को आगे बर्थडे की प्लानिंग है कि कैसे कैसे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये देखिए मिसेज और आरो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद देते हैं माता मंदिर में। देखिए मैं आरो और मेरी वाइफ सब लोग साथ में भगवान का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हम लोग कोशिश ये करते हैं जब भी कोई खास मौका होता है, किसी का बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होती है, तो कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जाके मंदिर जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ही सारे जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको करते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हो रही हैं। तो जो भी चीज़ें लाइफ में अच्छी और बुरी होती हैं उसके लिए हमें अपना गॉड को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। और उनका कोई भी कार्यक्रम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, जिससे कि वो जो भी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं वो अच्छे से हो सके। तो इसलिए जो है हम कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो या करने जा रहे हैं, खास मौका होता है, तो भगवान का ध्यान करते हैं। हम लोग देखिए आ चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। अपने घर के पास में ही सैलानी माता मंदिर है, वहाँ पर हम लोग आ गए हैं पूजा वूजा करने के लिए। और पूजा वूजा करके फिर भगवान का आशीर्वाद लेके शाम को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। ब्लॉग कंटिन्यू रहिए, आगे दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या बर्थडे में हुआ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सैलानी माता मंदिर में गौ माता भी पली हुई हैं। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमारी वाइफ और आरो जा रहे हैं गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए तो ये देखिए हमारी वाइफ गौ माता को प्रसाद खिलाते हुए और उनको सिंदूर लगाते हुए गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आरो और हमारी वाइफ। चलिए हम भी गौ माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं और मेरी मिसेज दोनों लोग गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए और उनको प्रसाद खिलाते हुए दोनों लोग साथ में। तो दोस्तों, ये सैलानी माता मंदिर के कैंपस में ही एक बगल में लॉन है, उसी में गाय माता भी चली हुई है। तो हम लोग वही मंदिर के कैंपस में ही जो है गाय माता का आशीर्वाद लेते हुए दोनों लोग दोनों भाई और शाम के कार्यक्रम के लिए मंगल कामना करते हुए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से नज़ारा है सुबह सुबह मॉर्निंग का। और ये देखिए मंदिर कैंपस के बिल्कुल जस्ट बाहर जो है शनिदेव का भी मूर्ति लगी हुई है और पूजा सब लोग करते हैं। और हम
कर रहे हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों लोग, और आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है। अभी देखिए शाम को जो है हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा का भी कार्यक्रम रखा हुआ था, तो पंडित जी आ गए हैं और सारी व्यवस्थाएं रेडी हो चुकी हैं। अब ये भगवान सत्यनारायण की कथा स्टार्ट होने जा रही है, तो सब लोग धीरे धीरे कथा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा बारिश वारिश हो गई थी इसलिए जो है पंडित जी को भी आने में लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कथा स्टार्ट होने में लेट हो गई थी, तो इसलिए लोग आके वापस भी लौट गए थे सब घर परिवार के लोग। चल गया है तो इसलिए लौट गए हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से जा रहा है भगवान सत्यनारायण कथा में, हवन हो रहा है, सब लोग हवन में शामिल हैं घर परिवार के लोग। यहाँ से कामना करते हुए कि जो भी चीजें घर में अच्छे से किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, देखिए सब लोग घर परिवार के लोग भगवान की कथा में शामिल हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। इधर देखो नीसु केक को कब काटा जाएगा?
We'll be right back.
अब हम तुमका घुमा दे। चाची यू फेल ठुमका वाला है। अभी तुम फोटो खिंचा।